देश में कोरोना की तेज रफ्तार, कुल आंकड़े 6,48,000 के पार। 24 घंटे में 22,700 से ज्यादा नए मामले, करीब 2,35,000 एक्टिव केस। 24 घंटे में देश भर में 442 लोगों की मौत, अब तक 18,655 लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे हैं केस, कुल आंकड़ा 1,92,000 के पार। मुंबई में कुल केस 82,000 के पार, अब तक 4,700 से ज्यादा लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 2,520 मामले, 94,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा, अब तक 2,923 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 59 लोगों की मौत, मौतों का आंकड़ा 2,900 के पार। राजस्थान में कोरोना केस 19,000 के पार, कल आए थे 390 नए मामले। मध्य प्रदेश में कोरोना के 191 नए मामले, कुल केस 14,000 के पार, अब तक 593 लोगों की मौत। गुजरात की सूरत में अब तक 5,600 केस, आज सीएम विजय रूपाणी करेंगे दौरा। झमाझम बारिश से पानी पानी हुई मुंबई, शहर के कई इलाकों में भरा पानी। मौसम विभाग ने दी हाई टाइड की चेतावनी, करीब 5 मीटर तक उठ सकती ऊंची लहरें। भारी बारिश ने मुंबई वालों की बढ़ाई मुश्किल, कई इलाकों में भरा पानी। मुंबई में 2 दिन तक भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। असम में बाढ़ का बढ़ रहा है कोहरा, अब तक 34 लोगों की मौत, 1.5 लाख से ज्यादा प्रभावित। कानपुर शूटआउट के मामले में आरोपी विकास दुबे, अब तक फरार 20 टीमें अलग अलग जिलों में रात भर करती रही छापामारी। विकास दुबे के रिश्तेदार और परिचितों के घर भी तलाशी, 12 और लोग लिए गए हिरासत में। जानकारी के मुताबिक चौबेपुर थाने के ही एक दरोगा ने विकास को पुलिस के आने की जानकारी दी थी। शक के घेरे में एक दरोगा, एक सिपाही और एक होमगार्ड। पुलिस के सामने आया एक और तथ्य, एसओ विनय कुमार 1 जुलाई को एक शिकायतकर्ता राहुल तिवारी के साथ विकास दुबे के घर पर गए थे। विकास दुबे ने एसओ विनय कुमार के सामने ही राहुल तिवारी की जूतों से पिटाई की थी, विनय कुमार से भी की गई थी हाथापाई। गांव में पुलिस टीम को बदमाशों ने घेरा, एनकाउंटर में एक एसओ, 2 एसआई समेत कुल 8 पुलिसकर्मी शहीद। गांव में पुलिस वालों को घेरने से पहले से ही तैयारी कर रखा था विकास दुबे, रास्ता रोकने के लिए अपराधियों ने लगाई थी जेसीबी मशीन, इससे शूटर फरार। विकास दुबे की मां ने बेटे को सरेंडर करने की अपील की, कहा गलत किया है, एनकाउंटर में मार दे पुलिस। कानपुर की वारदात को लेकर लखनऊ में समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। प्रियंका गांधी और मायावती ने भी कानपुर की वारदात पर सरकार को घेरा, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। पीएम मोदी ने धर्म चक्र दिवस पर बौद्ध धर्म सम्मेलन को किया संबोधित, वर्चुअल संबोधन में बुद्ध के शांति संदेश का किया जिक्र। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 21वीं सदी को लेकर पूरी तरह से आशा से भरा हूं। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने की भी दी जानकारी। लद्दाख से प्रधानमंत्री ने चीन को दिया कड़ा संदेश, कहा विस्तारवादी नहीं विकासवादी नीति का है जमाना। लद्दाख में जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बिना चीन का नाम लिए सादा निशाना, कहा हम कृष्ण की बांसुरी और सुदर्शन चक्र दोनों को आदर्श मानते हैं। लद्दाख में प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बुद्ध को किया याद, बोले साहस वो है जो हमें सही और सही करने और करने की ऊर्जा देता है। लद्दाख में प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ाया जवानों का हौसला, बोले आपके शौर्य और साहस को पूरी दुनिया ने देखा। लेह में पीएम मोदी ने की सिंधु दर्शन पूजा, नदी में अर्पित किए फूल। पीएम मोदी के साथ थे पुजारी, मंत्रोच्चारण के साथ पूरी की गई रस्में। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, देशभक्त लद्दाखी चीनी घुसपैठ के खिलाफ उठा रहे आवाज। राहुल गांधी ने लिखा उनकी चेतावनी को अनदेखा करना महंगा पड़ेगा, देश के लिए कृपया उनको सुने। जयपुर एयरपोर्ट पर तस्करों से 32 किलो सोना बरामद, 16 करोड़ की जा रही कीमत। दुबई से जयपुर पहुंची फ्लाइट से लाया गया था सोना, इमरजेंसी लाइट की बैटरियों में की गई थी सोने की तस्करी। कस्टम विभाग ने 3 फ्लाइट से कुल 14 तस्करों को दबोचा। सोनीपत में गत्ता फैक्ट्री में आग, दमकल की 5 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी। ग्रेटर नोएडा के दादरी में मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी की बाइक और तमंचा बरामद। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पुलिस हिरासत के बाद एक और मौत पर उठे सवाल, विवादित सब इंस्पेक्टर रघु गणेश और उनकी टीम पर है पिटाई का आरोप। बिहार की राजधानी में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना, पटना सिटी के 18 मोहल्लों को किया गया सील। असम के नौगांव में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, मुफ्ती की आखिरी विदाई में उमड़ी हजारों की भीड़।
पश्चिम बंगाल की बैरकपुर में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। श्याम प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति को लेकर तानातानी। हैदराबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी। अवैध और विदेशी तंबाकू उत्पादों के रैकेट का भांडाफोड़। 1,03,00,000 के सिगरेट जब्त। कोरोना संकट के बीच फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं कोहली। सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। जोधपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। शोभाजनी इलाके में मिले पति पत्नी और पुत्र के शव। सुपौल में साइड न देने पर बदमाशों ने कार पर चलाई गोलियां। कार से उतारकर ड्राइवर को पीटा। मणिपुर में 2 करोड़ की ड्रग्स बरामद। एक तस्कर गिरफ्तार। आगरा में रिटायर्ड दरोगा की दबंगई। ऑटो चालक को पीटने की तस्वीरें वायरल। दिल्ली में आईजी एक्टिविस्ट की पीट पीट कर हत्या। अज्ञात हमलावरों ने ली जान। कातिलों का अभी तक कोई सुराग नहीं। कोरोना से बचने के लिए बनवाया 3,00,000 का सोने का मास्क। पहनने वाला बिल्डर गहनों का है शौकीन। दिल्ली के मयूर विहार में कंटेनमेंट जोन बनने से लोगों को भारी दिक्कत। परेशान लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। बाड़मेर में फिर 7 दिन के लिए लॉकडाउन लागू। कोरोना केस बढ़ने के बाद प्रशासन ने लिया फैसला। असम में बाढ़ से कई इलाके बेहाल। पुल टूटने की वजह से तार पकड़कर नदी पार करने को मजबूर हैं लोग। उन्नाव के गांव में पहुंचा अजगर। वन विभाग ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। दिल्ली एनसीआर में फिर हिली धरती। रिक्टर पैमाने पर 6.7 आंकी गई तीव्रता। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के अलवर में था भूकंप का केंद्र। धरती से 35 किलोमीटर नीचे उठी तिरंगे। महाराष्ट्र के सांगली में बाहर से आए एक शख्स ने खुद को पेड़ पर किया क्वारंटीन। घर छोटा होने के चलते निकाला गया आइडिया। दिल्ली में नशे में धुत बेटे ने मां को मारी गोली। बुजुर्ग महिला की मौके पर मौत। दिल्ली के अमन विहार में रिटायर्ड एएसआई की बेटी की हत्या। पुलिस को प्रॉपर्टी विवाद में वारदात का शक। प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों को गला काटकर उनकी हत्या की गई। सनसनीखेज वारदात पर गांव में मचा हंगामा। राजस्थान के झालावाड़ में प्रेम विवाह के मामले में 2 पक्षों में भिड़ंत। कोर्ट परिसर में ही चली लाठियां। जोधपुर में एक परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत। हत्या या खुदकुशी की गुत्थी में उलझी पुलिस। लुधियाना में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। ट्रेड यूनियन संगठनों ने निकाली रैली। अमृतसर में टैक्सी चालकों ने निकाला विरोध मार्च। तेल के बढ़े हुए दाम वापस लेने की मांग। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जोरदार बारिश। घने बादलों के चलते दिन में ही छाया अंधेरा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश के चलते नदी नालों में उफान। धार में समाये सैकड़ों एकड़ खेत। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। किनारों से शुरू हुआ पलायन। बाढ़ से निपटने की तैयारियों को लेकर दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को दिए निर्देश। जून में सर्विसेज सेक्टर का पीएमआई 33.7 रहा। नए ऑर्डर में कमी और कर्मचारियों की छटनी के असर से सर्विस सेक्टर में धीमा सुधार। बीजेपी नेता किरण सोमैया ने आईआरडीए को अस्पतालों की मनमानी पर लिखा पत्र। कहा मुंबई के कुछ अस्पताल नहीं कर रहे हैं कोरोना मरीजों का कैशलेस इलाज। इंटेल कैपिटल 1,894.50 करोड़ में खरीदेगी जियो की 0.39% हिस्सेदारी। इस 11वें निवेशक के बाद जियो ने अब तक 1,18,18,00,000 करोड़ जुटा। रिलायंस जियो ने लॉन्च किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जियो मीट। 100 लोग तक कर हो सकते हैं शामिल। ग्लो एंड लवली और ग्लो एंड हैंडसम पर अधिकार को लेकर इमामी एचयूएल में जंग। इमामी ने बताया अपना ट्रेडमार्क। मारुति सुजुकी इंडिया ने शुरू किया अपनी कारों को लीज पर देना। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गुरुग्राम और बेंगलुरु में होगी सेवा की शुरुआत। हुंडई क्रेटा ने लगातार दूसरे महीने बिक्री के मामले में किया सेल्टोस को छोड़ा पीछे। नए वर्जन के आने के बाद से क्रेटा को हाथों हाथ ले रहे ग्राहक। वन प्लस ने लॉन्च किया 12,999 रुपए की शुरुआती कीमत वाले अफोर्डेबल स्मार्ट टीवी। रियलमी वीयू और शोमी से मुकाबला। चीन से पावर इक्विपमेंट इंपोर्ट नहीं करेगा भारत। ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने दी जानकारी। ब्रिटेन में अब चुनिंदा देशों से आने वालों को नहीं करना होगा 14 दिन का क्वारंटीन। 10 जुलाई से लागू होंगे नए नियम। रंगभेद के खिलाफ लड़ाई में सामने आई कंपनियां। ट्विटर ने भाषा से भेदभाव खत्म करने के लिए मास्टर स्लेव और ब्लैकलिस्ट जैसे शब्दों को हटाया। लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित करेगा फेसबुक। ट्विटर और इंस्टाग्राम यूजर्स को बार बार भेजा जाएगा अलर्ट। दुनिया भर में जारी है कोरोना का प्रकोप। 1,10,00,000 के पार पहुंची। मरीजों की तादाद 5,24,000 से ज्यादा मौतें। दुनिया भर में एक दिन में 2.25 लाख लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। अमेरिका में 24 घंटों में 52,000 लोग बीमार।
अमेरिका में कोरोना के 28,37,000 से भी ज्यादा मरीज, अब तक 1,31,000 से ज्यादा की जान ले चुका है ये वायरस। ब्राजील में भी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, 15 लाख से ज्यादा लोगों में संक्रमण, करीब 62,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। मैक्सिको ने कोरोना से हुई मौत के मामले में स्पेन को पीछे छोड़ा, अब तक 29,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है जान। कोरोना महामारी को मात देने के लिए मैक्सिको में आजमाया जा रहा है नया नुस्खा, अस्पताल में ड्रोन से पहुंचाया जा रहा है मास्क। इंग्लैंड में सितंबर से स्कूलों को खोलने की तैयारी, शिक्षा मंत्री बोले देश में हालात सामान्य करने के लिए छात्रों का स्कूल जाना जरूरी। स्पेन में फिर से गुलजार होने लगे पर्यटक स्थल, 1 जुलाई से पहुंच रहे हैं विदेशी सैलानी। कोरोना महामारी के बीच अमेरिका के न्यूजर्सी में खोल दिए गए कैसीनो, लोगों को मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत। कोरोना को लेकर ट्रंप ने एक बार फिर से चीन पर सादा निशाना बताया, चीनी प्ले कहा चीन ने दुनिया भर में जानबूझकर फैलाया वायरस। उत्तर कोरिया ने फिर किया कोरोना से मुक्त होने का दावा, किम जोंग उन ने अधिकारियों को दी ज्यादा से ज्यादा हिदायत बरतने की नसीहत। कोरोना की वजह से अफ्रीकी महाद्वीप को ट्रेवल और टूरिज्म के क्षेत्र में बड़ा नुकसान, अफ्रीकन यूनियन के मुताबिक $55 अरब का है आंकड़ा। हांगकांग को लेकर चीन के रवैये पर अमेरिका ने तरेरी आंखें, अमेरिकी संसद ने नए चीनी कानून के खिलाफ पास किया प्रस्ताव। हांगकांग को चीन ने बताया आंतरिक मामला, कहा किसी भी तरह स्वीकार नहीं होगा बाहरी हस्तक्षेप। परमाणु हथियार बनाने में जुटे ईरान के मंसूबों पर फिरने लगा है पानी, भूमिगत परमाणु संयंत्र में भीषण आग लगने की खबर। कोरोना काल में सितंबर में शुरू होगा फ्रेंच ओपन, दर्शकों को भी होगी स्टेडियम में आने की इजाजत, 9 जुलाई से शुरू होगी टिकटों की बुकिंग।